अस्सलाम वालेकुम। ये होटल बीतल जिसको रहिंगर खान बीतल भी कहते हैं और होटल बीतल भी कहते हैं, कुछ लोग होटल कहते हैं, उसकी एक और वीडियो के साथ मैं नजीबुल हसन और ये गोटलैंड फार्म के लिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ एक और चरवाहा भाई के पास आए हैं, काफ़ी पुराने चरवाहे हैं, इनका पता चला था तो ये उनके कुछ जानवर हैं वो आपको दिखाते हैं। बकरियाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ की हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या नाम है भाई अपना? मेरा नाम बाबर जी है। बाबर जी, बाबर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शान, ठीक ठाक। बकरी माशाल्लाह बड़ी बड़ी बकरी खोलो। जी जी, बकरी है? नहीं है, बस बकरी है जी। अच्छा जी, अच्छा मेरा दोस्तों कि अपने को पंजाबी बोलोगे या उर्दू बोल लोगे? पंजाबी बोल लोगे, ठीक हो गया। क्योंकि तो अक्सर बंदे साढ़े वेखने वाले जड़े ना या उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। मैंने दसो कि अपने को जानवर किन्ने ने टोटल? टोटल हो जाने कोई 20 को 22 पार हो जाने। थोड़ा उची बोलोगे? 20 22 पार हो जाने जी। 20 22 पार हो जाने। हां जी। ते कितनी देर ते अपना शौक किया तुसी? शौक साढ़े समय दादे सी, परदादे सी, वालद साहब ने समझ। अच्छा। इना पुछना चारा तो समझ शौक आ रहा जी। ठीक हो गया। ते एदे विच की है ना खास खूबी की है कि तुसी और किसे नस्ल ते शिफ्ट नहीं होए, तुसी आई ब्रीड रखी शुरू तो? हां जी। हालांकि तुम्हारे मैं बुजुर्गों नाल गल की है, उन्होंने बाकी सारी नस्लों का पता है जी। लेकिन वो आंदे वो रख के वेखिया ने, लेकिन असी फाइनल एदे ते रख के रुके हां। इलाके अपने दी बकरी इस वास्ते या कोई दी खास खूबियां ने दसोगे जरा? ए खास खूबी है जे सोहनी बहुत है। हां जी, लंबी है। अच्छा। हां जी। ए खूबी है समझ, लंबी है ज्यादा ने, मेला होता है, नमाज होती है जी, उसे ज्यादा तो मैं शौकीन सारे रल के समझ। सही है जी जी। ए आनंद, ठीक हो गया। इतने अपने कोई कोई बकरी है जड़ी होवे मेले दे लेवल दी बकरी होए, जैसे जी तुसी मेले ते खड़दे हो? दिखाओगे जरा? ये जी इनके पास बकरी है जो ये मेले पे लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बकरी है। पता नहीं वीडियो में आइडिया हो रहा है कि नहीं, और मैंने सुना था कि इनका दूध जो है वो दरमियाना होता है, ना बहुत कम होता है ना ज़्यादा होता है। बर ये आप देख लें, आर्डर कहते हैं, वहाना कहते हैं, जो भी आप इस चीज़ को कहते हैं। ये एक पट खड़ी हुई है छोटी, ठीक है। ये जिसका फेस है, जो खास इसकी पहचान होती है वो इसके फेस से, इसकी गर्दन से, इसके दुम से करते हैं, और इसकी लेंथ आम बकरी से ज़्यादा होती है। अच्छा, ए तकरीबन कितने के बच्चे नॉर्मल देनी है थोड़े को? एडी बड़ी तो बड़ी बकरी है, हर सुबह तकरीबन कितने बच्चे दे रही है? तीन तीन दे देनी है, चार दे देनी है, दो दे देनी है। हां, दो तीन चार, बिल्कुल। एडी बकरी हूं थोड़ी सुई है, एदे पीछे कितने बच्चे ने? तीन फल ने ले ले। तीन बच्चे ने? दिखाओगे कितने बच्चे? हां जी। और अच्छा, ये बकरी खड़ी है जी, और ये उसके तीन बच्चे हैं। कितने दिन देने हैं बच्चे? महीने महीने के हो गए।
ਐ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਾਈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਬਤਾ ਵਹੀ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਲੈਣੇ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਿਸਕੀ ਜਾਨਵਰ ਯੇ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ तो अगर किसी को इस चीज़ का शौक हो तो वही रब्ता करें 0307-59-34-186 0307-59-34-186 ठीक है बाबर भाई बहुत मेहरबानी शुक्रिया।